आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज 28 तारीख है, नामांकन का अंतिम दिन है, जो फर्स्ट फेज का नामांकन है उसका अंतिम दिन है। और हम आपको बता दें कि नामांकन में शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी से लेके चिराग, उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो गया पहुंच चुके हैं, गया से नवादा पहुंचेंगे और नामांकन में शामिल होंगे। सुनवाते हैं बारी बारी से आपको कि सम्राट चौधरी से लेकर तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है। पहला चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और स्वाभाविक है, अब एक तरह से प्रचार का अभियान हम लोग लगातार अब शुरू करेंगे। कई नॉमिनेशन हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे NDA के तीन तीन प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। सभी मिलकर 40 की 40 सीट जीतना है, ये लक्ष्य है। नॉमिनेशन है, जितना सर मान रहे हैं कि तैयारी होनी चाहिए कि महागठबंधन को जीत ना मिले, आप लोग फिर से उन 40 से 40 जाए। हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज तीन जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में हमारे यहाँ भी है और उसके बाद नवादा भी हम लोग जाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40 सीटें NDA का। देखिए 100% तैयारी है, कोई आज नहीं पहले से तैयारी है, और अंतिम जिस दिन रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उस दिन तक की तैयारी है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कठिनाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर अटूट आस्था है देश की जनता का, बिहार की जनता का। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोग NDA के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। औपचारिकता है जो हम लोग करने जा रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल मुलाकात भी हुई थी आपकी, जो बातें हुई हो वो चुनाव को लेकर की मजबूती से एक साथ जाना है क्षेत्र में, क्या कुछ सर आगे आने की? हाँ, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। NDA गठबंधन के बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग मिलकर इस चुनाव की बेतरनी को पार करेंगे, मजबूती से रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में उनसे चर्चा, महागठबंधन के तमाम जो दल है वो कह रहे हैं कि आप लोगों को रोक लेंगे, मगर गठबंधन ही नहीं दिख रही है, सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ। अब यही तो है, पहले आपस में जो उनका सिर्फ फुटौल है उसको तो ठीक करें। हम लोगों को रोकने की बात तो दूर दूर तक उनसे संभव नहीं है। परिणाम क्या होना है चुनाव में उनको भी मालूम। महागठबंधन में एकता नहीं दिखाई दे रही है, कांग्रेस और RJD में अभी तक सीट समझौता नहीं हो पाया है। NDA में दिख रहा है ना एकता, यही देश के लिए सौभाग्य है कि NDA में एकता दिख रही है। और NDA इस बार 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40। आज नामांकन में जा रहे हैं सर सभी प्रत्याशी, आज से शुरुआत कर रहे हैं, शुभकामना देने जा रहे हैं कि बिहार और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, देश और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, और देश और बिहार की जनता का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो सुना आपने, तमाम नेताओं का कहना था कि इस बार 400 पार और इसमें 40 बिहार। अब देखना है कि बिहार की जनता 400 पार में 40 बिहार दे पाती है भाजपा की झोली में या नहीं, या भाजपा ले पाती है कि नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।